इच्छाएं, डिजायर, ये कोई गंभीर विषय नहीं है दोस्तों। ना तो इच्छाओं के पूरा होने से आप में, हम सब में कुछ जुड़ जाएगा और ना ही पूरा ना होने से कुछ घट जाएगा। इच्छाओं के पूरा होने से मानवता में, मानव में कोई पूर्णता नहीं आ जाती। और यह गंभीर विषय तब बन जाता है जब व्यक्ति इन इच्छाओं को पूरा होने को ही, या यूं कहें कि पूरा करने को ही जीवन का सार समझ लेता है और इसके आगे आत्मसमर्पण कर कुकर्म करने लगता है। इच्छाएं कई तरह की हो सकती हैं, सफलता पाने की इच्छा या सफल होने की इच्छा, खुशियां पाने की इच्छा या अपनी खुशी को कुर्बान कर अपने कर्तव्य निभाने की इच्छा, किसी इंसान पर मर मिटने की इच्छा या जीवन को अर्थ देने वाले किसी उद्देश्य पर मर मिटने की इच्छा, दुनिया की सारी धन दौलत पाने की इच्छा या अपने जीवन का मकसद पाने की इच्छा। इतिहास में शासक तो बहुत हुए मगर कोई सिकंदर न बन सका। सिकंदर बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था और अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते सिर्फ राजगद्दी पाने के लिए उसने अपने भाइयों की ही हत्या करवा दी थी। सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था और लगभग जीत भी गया था, सिकंदर वो था जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे तुरमखाओं के पसीने छूट जाते थे। उसके आने की सूचना मिलते ही हर एक राजा उसकी शरण में चला जाता। सिकंदर उस समय का सबसे क्रूर शासक था। वह जहां से भी गुजरता वहां पर बर्बादी की निशानियां छोड़ जाता। वह इतना क्रूर था कि बेबीलोन को जीतने के बाद उसने पूरे राज्य में औरतों और बच्चों सहित आग लगवा दी और आगे बढ़ गया। उसने अपने पिता के मित्र की एक छोटी सी गलती पर उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इन सब के बावजूद मौत को हराने का दावा करने वाला सिकंदर मरने से पहले मौत से डर गया था। महज 33 साल की उम्र में बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन मरने से पहले ही सिकंदर यह जान चुका था कि जीत, अपार धन दौलत, अहंकार, घमंड और कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं सिर्फ एक झूठ है, जबकि सत्य सिर्फ मृत्यु है। इसलिए सिकंदर ने दुनिया को संदेश देने के उद्देश्य से अपनी तीन इच्छाएं जाहिर की थी। पहली, कि जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया वो सारे मेरे जनाजे को कंधा देंगे, जिससे दुनिया को पता चल सके कि रोगों का इलाज करने वाले भी मौत को नहीं टाल सकते। दूसरी, कि मेरे जनाजे की राह में वो सारी दौलत बिछा दी जाए जो मैंने जिंदगी भर जुल्म करके इकट्ठा की है, जिससे दुनिया को ये पता चल सके कि जब मौत आती है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत भी काम नहीं आती। तीसरा, कि मेरा जनाजा जब निकले तो मेरे दोनों हथेली जनाजे से बाहर की ओर लटकाई जाए, जिससे लोगों को पता चल सके कि इंसान धरती पर खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। असल में जब जब हमारा जीवन इच्छाओं द्वारा संचालित होगा, या यूं कहे कि जब जब हमारा मार्गदर्शन इच्छाएं करेंगी, तब तब हमारा और हमसे बनने वाले इस समाज का पतन निश्चित है। कहानी चाहे सिकंदर की हो या कथा महाभारत की, हमारा इतिहास काफी है हमें यह सिखाने के लिए कि हमें अपने जीवन में इच्छाओं को नहीं, उद्देश्यों को जगह देनी चाहिए। महत्वाकांक्षाओं से केवल भयानक रक्तपात ही जन्म लेता है। इच्छाएं जीवन भर संघर्ष ही करती रहती हैं। इच्छाओं का तो स्वभाव ही होता है असंतुष्ट रहना। असंतोष से क्रोध पैदा होता है। क्रोध के कारण व्यक्ति अच्छाई और बुराई का ज्ञान ही भूल जाता है। ज्ञान के जाने से बुद्धि चली जाती है, अनुचित प्रकार के कार्य होने लगते हैं और ऐसे व्यक्ति को पूरा समाज दुश्मन नजर आता है। अपनी आत्मा को मारकर सारी दुनिया हासिल करने की हमारी इच्छा अगर पूरी हो भी जाए तो उसका क्या फायदा? इच्छाएं तो ईश्वर ने जानवरों में भी दी है, मगर जीवन में उद्देश्य खोजने की अनंत तलाश ही सबसे बड़ी चुनौती है और यही इंसान को हैवान बनने से बचाती है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि हमारे जीवन में सफलता की साफ साफ फिलॉसफी ना होने के कारण ख्याली पुलाव ही हमारे मार्गदर्शक बन गए हैं। आजकल हमारे ज्यादातर फैसले हमारी इच्छाओं पर आधारित होते हैं, जैसे कि सुख सुविधा, धन दौलत को पाने की हमारी इच्छा। कोई काम करने का पैमाना हमारे अंदर की जिम्मेदारी की भावना नहीं, बल्कि यह हो गया है कि हमें क्या करना अच्छा लगता है, या फिर और लोग यह काम कर रहे हैं तो सही ही होगा, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, इसलिए मुझे भी करना चाहिए। इच्छाएं आंतरिक नहीं होती, इच्छाएं हमें लुभाती हैं, हमें आनंद की अनुभूति होती है। इसके लिए किसी का त्याग भी नहीं करना होता। इसके विपरीत उद्देश्य अंतर्मन में चल रहे द्वंद्व का परिणाम होते हैं। उद्देश्य लुभावने नहीं होते, उद्देश्यों को पूरा करने के लिए त्याग भावना का होना जरूरी है। ये इच्छाएं हमें थमा दी जाती हैं। कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता कि इन इच्छाओं का जन्म हमारे मन में कैसे हुआ। ये सपने, ये इच्छाएं हमें कौन दे गया? ये इच्छाएं हमें टेलीविजन दे गया, ये इच्छाएं हमें बड़े भैया दे गए, ये इच्छाएं हमें हमारे माता पिता ने दी हैं। ये सपने
हमें पड़ोसी दे गया, ये इच्छा तुम्हें अखबार में छपे विज्ञापन से मिली है। जब मैं कहता हूं कि ये इच्छा तुम्हें अखबार में छपा विज्ञापन दे गया, तो इसका मतलब है कि विज्ञापन में दिख रही बाइक के साथ दिखने वाली लेडी मॉडल को बैक सीट पर बिठाने की इच्छा को जन्म दिया जाता है। इच्छाएं हमारे माता-पिता द्वारा या टीचर द्वारा हमारे मन में तब बैठा दी जाती है जब अच्छे ग्रेड लाने वाले बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है और हमारे माता-पिता हम पर नंबर की दौड़ में भाग लेने का दबाव बनाते हैं। पड़ोसी की लंबी कार देखकर हमारे मन में इच्छा जन्म लेती है कि मेरी कार इससे भी लंबी हो, अगर मेरी कार छोटी रह गई तो मेरी नाक कट जाएगी, और यह इच्छा हमारा दिन और रात का सुकून छीन लेती है। इच्छाएं बड़े भैया दे गए से मतलब है कि उनकी अच्छी जॉब और बड़े ठाट बाट ने मन में उनसे कम न रह जाने की इच्छा को जन्म दिया। इस दुनिया में सारी इच्छाएं मन में रोपित की जाती हैं और यह एक तरीके के स्वार्थ का परिणाम होता है। अगर इच्छाओं को जगाया नहीं जाएगा तो यह सिस्टम कैसे चलेगा? तुम्हें सपने नहीं आएंगे तो लोगों की दुकान कैसे चलेगी? अगर तुम लंबी लंबी गाड़ियों की इच्छा नहीं करोगे तो गाड़ियां बिकेंगी कैसे? खुद से सवाल पूछो कि क्या ये सपने तुम्हारे हैं? जितनी आतुरता से आप इसके पीछे भाग रहे हो, उस बात ने ही तुम्हें यह यकीन दिला दिया है कि हाँ, ये सारे सपने मेरे हैं। आज का सिस्टम इंसान की इस कमजोरी को पहचान गया है और इन इच्छाओं को जगाने में भारी निवेश कर रहा है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि मैं कमाऊं और अपनी और अपनों की इच्छाओं को ही पूरा करता मर जाऊं। इच्छाएं पूरी नहीं करूंगा तो ये दुनिया चलेगी कैसे? मेरी जिंदगी शायद चल भी जाए, लेकिन ये तंत्र कैसे चलेगा? क्यों हर कोई इस तंत्र का एक पुर्जा बनने को तैयार है? क्यों कोई नहीं चाहता कि महत्वाकांक्षाओं की इस भारी पोटली को सिर से उतार कर आत्मा को बल देने वाले किसी उद्देश्य के साथ जिया जाए? क्यों इच्छाओं के पीछे भागने का जो नशा है नहीं छोड़ा जाता? एक लड़का नदी में डूब रहा था। वह मदद के लिए चिल्लाया। एक आदमी जो उधर से गुजर रहा था नदी में कूद पड़ा और उसने लड़के को बचा लिया। जब वह आदमी जाने लगा तो बच्चे ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वह आदमी मुड़ा और उस आदमी ने बच्चे से पूछा, शुक्रिया किस बात का? लड़के ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी बचाने के लिए। और उस आदमी ने लड़के की आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, बेटा जब तुम बड़े हो जाओ तो इस बात को साबित करना कि तुम्हारी जिंदगी बचाने लायक थी। यह सोचने का समय है, यह सचेत होने का समय है। अगर हम अपने जीवन के होने की अहमियत को समझ पाएं तो जान पाएंगे कि हम सभी इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ भेजे गए हैं। हम सब विशाल तस्वीर का एक हिस्सा हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही अपने जीवन में अपने उद्देश्य को खोज या पहचान पाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ जीते हैं और अपने जीवन को, अपने समय को सार्थक बनाने के बजाय अपने दिन गिनते रहते हैं। जेनेट कॉल ने एक बार कहा था कि मुझे ऐसा व्यक्ति दिखाओ जो अपने साधारण स्तर से संतुष्ट हो, मैं तुम्हें ऐसा व्यक्ति दिखाऊंगी जिसकी किस्मत में असफल होना लिखा है। आपका उद्देश्य क्या है? क्या आपके पास कोई उद्देश्य है भी? उद्देश्य लगन पैदा करता है। एक उद्देश्य पाइए या बनाइए और फिर उसे लगातार दृढ़ता से पूरा कीजिए। यदि जीवन का कोई अर्थ और उद्देश्य ना हो तो आप कितना भी सम्मान, पैसा और शिक्षा हासिल कर लें, आपको जिंदगी में खालीपन और उदासी ही महसूस होगी। हमें हर दिन खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं जीवन में अपने उद्देश्य के करीब पहुंच रहा हूं? क्या मैं दुनिया को रहने लायक एक बेहतर जगह बना रहा हूं? क्या मैंने आज ऐसा कुछ किया जो मुझे मेरे लक्ष्य तक लेकर जाए? अगर जवाब न में है तो मैंने आज अपने जीवन का एक दिन बर्बाद कर दिया। मूल्यवान उद्देश्य की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है।